हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। पिछले ट्यूटोरियल्स में मैंने आप लोगों को कुछ स्टार पैटर्न बता दिए और आज मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्टार पैटर्न बताने वाला हूं, ये वाला। ओके, तो इसका भी सिंपल लॉजिक आज हम समझेंगे। तो देखो, ये वाला स्टार पैटर्न क्रिएट करने से पहले मैं क्या करता हूं, आप लोगों को ये वाला पैटर्न बताता हूं। 3 4 5। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस पैटर्न का एक सिंपल प्रोग्राम बनाकर दिखाता हूं, फिर हम चलेंगे उस वाले पैटर्न पर। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस पैटर्न के लिए एक फॉर लूप लगा दिया। फॉर एंड आई इक्वल्स टू, मैंने स्टार्ट कर दिया यहां 0 से, देन I should be less than 5 and I plus plus। ओके, ये वाला फॉर लूप जो है ये आ गया है रोज के लिए। देन एक और फॉर लूप मैंने लगा दिया, फॉर एंड j इक्वल्स टू 0, देन j should be less than 5 and j plus plus। क्लियर है? और मैं सिंपली यहां पर क्या करूंगा, प्रिंट करवा दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टार, एंड देन मैंने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो इस वाले प्रोग्राम के थ्रू हम लोग ये वाला स्टार पैटर्न सिंपली क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है? बट मुझे क्रॉस स्टार पैटर्न चाहिए था, तो क्रॉस स्टार पैटर्न जो वो मैं सिंपल इसी पैटर्न के थ्रू अचीव कर लूंगा। कैसे? यहां पर मैंने सिंपली क्या किया, 1 स्टार रिमूव कर दिया, यहां पर 2 स्टार्स रिमूव कर दिए, देन अगेन यहां पर 1 स्टार मैंने रिमूव कर दिया, देन अगेन 1 स्टार रिमूव कर दिया, देन 2 स्टार्स रिमूव कर दिया, एंड देन अगेन 1 स्टार। सेम यहां पर भी मैंने 1 स्टार रिमूव कर दिया और यहां पर 3 स्टार्स रिमूव कर दिए, देन 3 स्टार्स रिमूव कर दिए, एंड देन 1 स्टार रिमूव कर दिया। क्लियर है? तो ये देखो, ये यहां पर क्या हो रहा है, क्रॉस स्टार पैटर्न क्रिएट हो रहा है। क्लियर है? तो डायरेक्टली जो मैं स्टार प्रिंट कर रहा था, मैं क्या कर दूंगा, कोई कंडीशन ऐसी लगा दूंगा जिसके थ्रू ये वाले स्टार्स जो है वो हाइड हो जाए और सिर्फ ये वाले स्टार्स डिस्प्ले हो। क्लियर है? तो मैं क्या करूंगा, सिंपली ये स्टार की जगह पर कंडीशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो कंडीशन हमें क्या लगानी है वो देखते हैं। देखो, तो कंडीशन देखो, मैंने यहां पर सिंपली क्या लिख दिया, इफ आई इक्वल्स टू जे, अगर आई की वैल्यू जे के इक्वल है कहीं पर भी। ये देखो, यहां पर आई की वैल्यू क्या है, 1, j की वैल्यू क्या है 1, i की वैल्यू क्या है 2, j की वैल्यू क्या है 2, i की वैल्यू क्या है 3, j की वैल्यू क्या है 3, 4, 5। क्लियर है? तो एक कंडीशन तो मैंने क्या लगा दी, इफ i इक्वल्स टू j, और मैंने यहां पर एक कंडीशन और लगा दी, इस केस में मैं क्या करूंगा, i प्लस j इक्वल्स टू 5 माइनस 1। ओके, तो यहां पर मैंने एक कंडीशन और लगा दी, i प्लस j इक्वल्स टू 5 माइनस 1। क्लियर है? तो मैं यहां पर क्या करूंगा, स्टार प्रिंट करवा दूंगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मैंने यहां पर क्या कर दिया, स्टार प्रिंट करवा दिया। क्लियर है? एंड देन एल्स वाले पार्ट के अंदर मैं क्या प्रिंट करवा दूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहां पर मैंने स्पेसेस प्रिंट करवा दिए, और यहां पर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ओके, तो इफ एल्स कंडीशन हो गई, देन फॉर लूप हो गया, एंड देन मेन फॉर लूप हो गया। क्लियर है? तो यहां पर मैंने कंडीशंस प्रोवाइड कर दी हैं 2, और बीच में और कंडीशन लगा दी। क्लियर है? कि अगर आई की वैल्यू जे के इक्वल है तो वो प्रिंट करवाता जाएगा। ओके, और सेकंड कंडीशन क्या है, आई प्लस जे इक्वल्स टू 5 माइनस 1, फिर भी ये स्टार प्रिंट करवाता जाएगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, सारी जगह पर स्पेसेस प्रिंट करवा देगा। क्लियर है? तो ये है सिंपल लॉजिक जिसके थ्रू मैं क्रॉस स्टार पैटर्न क्रिएट कर सकता हूं। ओके, तो ये वाला पैटर्न भी हमने पहले प्रॉपर पूरा पूरा स्टार पैटर्न क्रिएट कर दिया, और उसके अंदर इफ एल्स कंडीशन प्रोवाइड कर दी, और क्रॉस स्टार पैटर्न क्रिएट हो गया। क्लियर है? तो ये वाले स्टार पैटर्न देख रहे हो आप, बहुत ज्यादा इजी है,
सबसे पहले हमें इनको कंप्लीट करना होता है, उसके बाद जस्ट इफ एल्स कंडीशन लगानी। ओके, तो इन स्टार पैटर्न्स का लॉजिक बहुत ज्यादा सिंपल है, सिर्फ आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए कि कहां पर मैं किस टाइप की कंडीशन प्रोवाइड करूंगा। ओके, तो अब मैं आप लोगों को ये वाला स्टार पैटर्न प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। तो देखो, तो मैंने यहां पर नोटपैड ओपन किया, देन क्लास क्रिएट कर दी क्लास स्टार पैटर्न 15 के नेम से, और एक मेन मेथड भी क्रिएट कर लिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। ओके, फिर मैंने यहां पर एक फॉर लूप लगा दिया, फॉर एंट आई इक्वल्स टू जीरो, जीरो से स्टार्ट करवा देते हैं, देन आई शुड बी लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस। ओके, और यहां पर एक और फॉर लूप लगा दिया, डेट इज एंट जे इक्वल्स टू जीरो, देन जे शुड बी स्मॉलर देन 5 एंड जे प्लस प्लस। ओके, और मैं सिंपली यहां पर क्या करता हूं, स्टार प्रिंट करवा देता हूं, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टार मैंने यहां पर प्रिंट करवा दिया, और यहां पर मैंने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ओके, तो सिंपल पैटर्न है ये वाला, सेव कर देते हैं एक बार पैटर्न को। सेव किया स्टार पैटर्न 15 डॉट जावा के नेम से, देन कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, देन डी ड्राइव ओपन की, देन सीडी स्पेस जावा प्रोग्राम्स, जावा सी स्पेस स्टार पैटर्न 15 डॉट जावा प्रोग्राम मैंने कंपाइल किया, एंड देन जावा स्पेस स्टार पैटर्न 15 प्रोग्राम को मैंने रन किया, तो ये सिंपल स्टार क्रिएट कर देगा। ओके, बट अब मुझे क्या चाहिए, ये वाले स्टार्स रिमूव करने, और यहां से भी ये वाले कुछ स्टार्स रिमूव करने। ओके, देन यहां से भी रिमूव करने और यहां से भी रिमूव करने, ताकि ये प्रॉपर एक्स पैटर्न क्रिएट हो जाए। क्लियर है? तो मैंने सिंपली यहां पर क्या कर दिया, स्टार पैटर्न डायरेक्टली प्रिंट करवाने की जगह पर एक कंडीशन लगा दी, इफ आई इक्वल्स टू जे और आई प्लस जे इक्वल्स टू 5-1। मैंने सिंपल यहां पर एक कंडीशन लगा दी, इस कंडीशन के लिए आपको थोड़ा सा लॉजिक समझना होगा। ओके, और फिर मैं यहां पर क्या प्रिंट कर दूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मैं यहां पर प्रिंट करवा दूंगा स्टार, एंड देन एल्स वाले पार्ट के अंदर मैं प्रिंट करवा दूंगा यहां पर स्पेस, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मैं यहां पर प्रिंट करवा दूंगा स्पेस। ओके, तो अगेन इस वाले प्रोग्राम को सेव कर दिया मैंने, देन प्रोग्राम को अगेन कंपाइल किया, देन रन कर दिया, तो ये यहां पर क्रॉस स्टार पैटर्न क्रिएट कर देगा। ओके, तो देख रहे हो मैंने ये क्रॉस स्टार पैटर्न जो ये इस वाले पैटर्न से ही ड्राइव कर लिया, बट सिंपल मैंने क्या कर दिया, ये चारों साइड से कुछ स्टार्स को मैंने रिमूव कर दिया यहां पर। ओके, तो ये था सिंपल प्रोग्राम क्रॉस स्टार पैटर्न के लिए। ओके, थैंक यू।